जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया तीसरा और आखिरी निर्णायक टी20 मैच काफी रोमांचक साबित हुआ, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट से दोस्तों ये मुकाबला जीत लिया आखिरी ओवर तक जाते जाते। आप सभी को बता दें कि क्या कुछ मैच में खास रहा, कैसे पाकिस्तान की टीम ये सीरीज हार गई, क्योंकि ओडीआई मुकाबले में लगातार 3 मुकाबले हारने के बाद इस सीरीज की जो टी20 सीरीज की जीत के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद इंग्लैंड ने दोस्तों वापसी करते हुए बहुत अच्छे से यहां पर मैच को संवारा। लेकिन तीसरा जब निर्णायक यानी कि नॉकआउट मैच था, यहां से सीरीज की किसी विजेता के चयन होना था, वो चयन दोस्तों इंग्लैंड के रूप में हुआ। यहां से इंग्लैंड की टीम ने हुंकार भर दी है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। दोस्तों जैसे अगर देखा जाए, टीम इंडिया कोई अगर मुकाबला हारती है और कोई सीरीज हार जाती है तो सिर्फ यही मांग होती है कि यार विराट कोहली को कप्तानी से हटाओ, किसी और को कप्तान बनाओ, रोहित शर्मा को कप्तान बनाओ, ऐसी मांग हमें देखने को मिलती है कई फैंस के जरिए। लेकिन एक तरफ तो ये बातें सही हैं, दूसरी तरफ दोस्तों अब ये पाकिस्तान में भी बहुत होने लगा है। पाकिस्तान के खेमे से लगातार यही खबरें सामने आ रही हैं कि बाबर आजम भले ही बल्लेबाज अच्छे हों, लेकिन उनको बल्लेबाजी तो करने दो, लेकिन कप्तानी से हटाओ और किसी और को कप्तान बनाओ। दोस्तों देखते हैं क्या होता है इनकी टीम में, क्या होता है इनकी आपसी रंजिश में। लेकिन अगर चले स्कोर कार्ड तरफ की, कैसे तीसरे टी20 मुकाबले में मैच में पाकिस्तान टीम को हार का सामना करना पड़ा, क्या मुख्य रीजन रहे कि तीसरे टी20 मुकाबले में इनको हार मिली और एक ही मैच जीत पाए इस पूरी श्रृंखला के दौरान, जहां ओडीआई और टी20 सीरीज की बात करें, बाकी में तो दोस्तों इंग्लैंड का ही दबदबा रहा। अब दोस्तों पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड इतनी आसानी से दोस्तों ये मुकाबला अपने हाथ से जाने नहीं देने वाली। तो दोस्तों एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर यह मुकाबला था, जहां पर प्लेइंग 11 इंग्लैंड के दोस्तों जेसन दोए, जोस बटलर, डेविड मलान, जॉनी बेस्टो, मोइन अली, इयोन मॉर्गन, लियाम लिविंगस्टोन, क्रिस जॉर्डन, डेविड विले, आदिल रशीद और शाकिब महमूद हमें देखने को मिले। आदिल रशीद की दोस्तों वापसी कराई गई थी टीम में, यह अच्छी बात थी, और टॉम ग्रन को भी आराम दिया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शोएब मकसूद, मोहम्मद हफीज़, फ़खर जमान, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, शाहीन अफरीदी, उस्मान कादिर और मोहम्मद हसनैन हमें देखने को मिले पाकिस्तान की तरफ से। अब दोस्तों टॉस जीता पाकिस्तान ने, उसके बावजूद इन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। अब पहले बल्लेबाजी का फैसला कुछ सोच समझ कर ही किया होगा कि मन में इतना बड़ा टारगेट चल रहा है, उसी टारगेट को आसानी से चेज करने के लिए पाकिस्तान टीम इंग्लैंड को दौड़ाती नजर आएगी। लेकिन पिछले मुकाबले की बात करें तो पिछले मुकाबले में दोस्तों पाकिस्तान ने गेंदबाजी करी थी पहले, उसके बाद दोस्तों वो लास्ट में चेज करते करते 45 रनों से हार गई थी इंग्लैंड के हाथों। तो शायद वही हार मन में चल रही थी कि इस बार पहले बल्लेबाजी करनी है। अब पहले बल्लेबाजी करने तो उतरी, लेकिन सिर्फ रिजवान और फ़खर जमान के अलावा दोस्तों कोई भी 20 रन के आगे हमें नहीं बढ़ता दिखा। रिजवान ने एक छोर संभाले संभाले दोस्तों लास्ट तक पारी में साथ दिया अपने सभी खिलाड़ियों का और एक बढ़िया नाबाद पारी खेली। मैच की पहली गेंद इन्होंने खेली और मैच की आखिरी गेंद भी इन्हीं के द्वारा खेली गई। दोस्तों ये एक अच्छी बात थी कि यहाँ पर रिजवान ने अच्छी पारी खेली, वरना तो दोस्तों टीम जो पहली पारी में 154 विकेट के नुकसान पर यानी कि 154 विकेट्स के लॉस पर बना पाई, वो नहीं बना पाती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी ने साथ ही नहीं दिया। बाबर आजम, मकसूद, हफीज़, शादाब खान, इमाद वसीम सब बहुत जल्दी जल्दी आउट होकर चले गए। 11 रन बनाए सिर्फ बाबर आजम ने, मकसूद ने 13 रन बनाए, हफीज़ पहले ही रन पर आउट हो गए, शादाब खान 2 रन, इमाद वसीम 3 रन। दोस्तों किसी 24 नंबर की तरह लग रहा है जो बता रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद रिजवान ने इज्जत बचा ली कि 57 गेंदों में यानी 57 बॉल्स में 76 रन, 76 रन की पारी, 5 चौके, 3 छक्के और 133 की स्ट्राइक रेट की मदद से खेली, दूसरे छोर से विकेट गिरने के बावजूद भी। फ़खर जमान ने उनका थोड़ी देर के लिए साथ दिया था दोस्तों, फ़खर जमान ने उनका साथ देते देते कोशिश की थी तो वो 20 गेंदों में 24 रन बना पाए 1 चौके 1 छक्के की मदद से। इससे पहले तो दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 69 यानी 69 रन पर ही दोस्तों 3 विकेट खो दिए थे टीम पाकिस्तान ने, और 8वें ओवर में तो दोस्तों 2 विकेट एक साथ हाथ लगे थे। उसके बाद दोस्तों पूरी टीम की नैया यहीं से बिखरती नजर आई थी, क्योंकि दोस्तों सामने हुए बड़े बदलाव यानी आदिल रशीद की वापसी से इंग्लैंड की टीम को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा और 4 ओवर में 35 रन देके आदिल रशीद ने 4 विकेट झटके। मोइन अली भी दोस्तों 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। अब जवाब में दोस्तों 155 रन चेस करने उतरी इंग्लैंड की टीम के सामने भी चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर अभी गेंदबाज बहुत तगड़े तगड़े थे, शादाब खान से लेके मोहम्मद हफीज़, हसन अली, उस्मान कादिर और साथ ही साथ शाहीन अफरीदी तक बेहतरीन गेंदबाज थे। लेकिन एक बात हमें ये देखने को मिली दोस्तों कि शाहीन अफरीदी को सिर्फ 1 ही ओवर दिया गया,
उनको अगला ओवर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने एक ही ओवर में दोस्तों करीब करीब 16 रन दे दिए। उस 16 रन की वजह से टीम बहुत बुरी स्थिति में आ गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, जिस प्रकार से इनकी शुरुआत रही उस प्रकार से इनका मिडिल ऑर्डर नहीं था। आखिरी ओवर तक मुकाबला गया, वो तो दोस्तों पाकिस्तान की गेंदबाजी की वजह से गया, क्योंकि यहाँ पर जब पहला विकेट गिरा इंग्लैंड का तो 7वें ओवर की 6ठी गेंद पर, यानी कि 8वां ओवर शुरू होते होते 67 रन दोस्तों बना दिए थे इंग्लैंड की टीम ने। टी20 मुकाबले में जब आप 155 चेस कर रहे हो तो आपके लिए ये पहली पारी बहुत अच्छी साबित हुई, जिसमें जेसन जोए और जोस बटलर की अच्छी पारी थी। लेकिन 22 गेंदों में 21 रन जोस बटलर ने 3 चौके की मदद से मारे। दूसरे छोर से दोस्तों जेसन जोए बहुत तेज़ी से बल्लेबाजी कर रहे थे, जो अभी तक पूरी सीरीज के दौरान शांत थे। उसके अलावा दोस्तों डेविड मलान की बल्ले से भी हमने रन नहीं देखा था, और डेविड मलान दोस्तों टी20 रैंकिंग में भी बाबर आजम से पिछड़ते नज़र आ रहे थे, लेकिन बहुत तेज़ी से कवर करा और डेविड मलान ने इस मुकाबले में 33 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। अब जब दूसरा विकेट गिरा तो दोस्तों 92 रन यानी 92 रन पर 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर गिरा था जेसन जोए का। जेसन जोए ने दोस्तों 36 गेंदों में 64 यानी 64 रन बनाए, 12 चौके एक छक्के की मदद से। उस्मान कादिर ने उनका विकेट लिया, फकर जमान ने उनका कैच पकड़ा था। इसके अलावा दोस्तों बात करें आगे की, जब 104 रन पर दोस्तों जॉनी बेस्टो का विकेट गिरा, तीसरा विकेट टीम के लिए, जॉनी बेस्टो सिर्फ 5 ही रन बना पाए थे। उसके बाद मोइन अली भी दोस्तों 1 रन बना के हफीज के हाथ आउट होकर चले गए। अब दोस्तों कप्तान इयान मॉर्गन मैदान पर आए थे और कप्तान मॉर्गन को खेलनी थी कप्तानी पारी, लेकिन कप्तान मॉर्गन दोस्तों आखिरी तक टिके रहे और 19वें ओवर यानी आखिरी ओवर तक वो मुकाबले को ले गए। उस बीच दोस्तों लियाम लिविंगस्टोन ने कोशिश की थी कि अच्छी पारी खेलें, लेकिन अच्छी पारी उनके बल्ले से भी नहीं आई, सिर्फ 6 ही रन बना पाए, एक छक्का मार के वो भी निकल लिए। उसके बाद दोस्तों क्रिस जॉर्डन 2 गेंदों पर 4 रन बना के इयान मॉर्गन का जीत के साथ पूरी तरीके से साथ दिया, और यहां पर दोस्तों टीम ने क्रिस जॉर्डन और डेविड विले के आखिरी में खड़े होते हुए मैच को जीत लिया। वो तो दोस्तों डेविड क्रिस जॉर्डन ने एक बड़ी तेज़ी से 2-2 करके रन भाग लिए थे, जिसकी मदद से इंग्लैंड की टीम ने आखिरी ओवर में उस मुकाबले को जीत हासिल करी। बात करें विकेट की तो दोस्तों 3 विकेट मोहम्मद हफीज़ ने, इमाद वसीम, हसन अली, उस्मान कादिर, शादाब खान के खाते में 1-1 विकेट रहा, और एक ओवर में 16 रन देते हुए शाहीन अफरीदी को दोबारा मौका ही नहीं दिया गेंदबाजी कराने का। तो दोस्तों इतनी कठिन तरीके से भी इंग्लैंड ने मुकाबले को अपने नाम किया, जिसमें जीत की हीरो रहे जेसन जोए, उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। अब दोस्तों यहां पर इंग्लैंड के लिए एक अच्छी बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले इनकी टीम एक संतुलित नज़र आ रही है, सीरीज पर कब्जा कर लिया है, गेंदबाजी ने भी कमाल दिखाया, बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाया। उसके बाद दोस्तों अगर ये मुकाबला करीब 170 रन के टारगेट तक का होता तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में रिजवान के अलावा किसी और बल्लेबाज ने मारा ही नहीं, तो क्या ही कह सकते हैं। अब दोस्तों अच्छी बात यह रही कि इंग्लैंड ने मुकाबला जीत लिया, लेकिन पाकिस्तान के नज़रिए से बुरी बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले भी अपना कप्तान बदल सकते हैं, मौका उनके पास है। अब सीरीज ये हारे हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होना लाजमी सी बात है। देखते हैं कि क्या इनका कप्तान बदला जाता है या नहीं, क्योंकि कई लोगों ने ये बातें कही हैं कि कप्तान कई बार अपने इंडिविजुअल रन के लिए खेलते नज़र आते हैं, कई बार कप्तान के गलत फैसले उनको मैच हरा देते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आखिरी ओवर तक मुकाबला जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपकी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन आपको फैसले अच्छे लेने हैं। दोस्तों जब इयान मॉर्गन का विकेट गिरा था तो टीम 151 रन पर थी, 151 रन पर थी इंग्लैंड की 19वें ओवर की दूसरी गेंद तक। उसके बाद सिर्फ 4 ही गेंद बचती और टीम को 4 ही रन बनाने थे, और सारे के सारे नए बल्लेबाज थे, क्रिस जॉर्डन और डेविड विले दोनों नए बल्लेबाज थे। लेकिन यहां पर दोस्तों वो 4 गेंदों में 4 रन बना लिए गए इंग्लैंड के द्वारा। अगर कोई तगड़ा गेंदबाज होता या फैसले सही होते तो उनको रोक लिया जाता। अब दोस्तों टी20 सीरीज भी यहां पर नाम कर ली इंग्लैंड ने, ओडीआई और इंग्लैंड दोनों में हराया, सिर्फ एक ही मुकाबला जीती, पहला टी20 मुकाबला 31 रनों से जीती थी वो पाकिस्तान की टीम। इसके अलावा दोस्तों एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई, और यही रहा दोस्तों टी20 का भी हाल, सीरीज पर कब्जा किया इंग्लैंड की टीम ने। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।